वीडियो में मैं आपकी अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसका हम ये सेलो फिल्म काट के बॉक्स कॉन्टेंट खोल के आपको इसका बॉक्स कॉन्टेंट दिखाते हैं। यहाँ से मैं इसे काट लेता हूँ और ये मैंने बॉक्स खोल लिया है। बॉक्स तो मैंने खोल लिया, मैं बताता हूँ। बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि पहले इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे सब कुछ लिखे हैं, लेकिन ये मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको। ये मैं आपको बताऊँगा जब मैं बॉक्स कंटेंट आपको पूरा दिखा दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वैसे ही एनीवे दिख जाएगा कि 5000 mAh की बैटरी इस फ़ोन में दी गई है। तो चलिए बॉक्स कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फ़ोन है यहाँ पे, देखने में अच्छा लग रहा है। काफ़ी इम्प्रेसिव फ़ोन बनाया है टेक्नो ने, ऐसी कोई बात नहीं है। पर थोड़ा सा बड़ा है, पर एनीवे कलर्स की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम फ़ोन को यहाँ साइड में प्लेस करते हैं और देखते हैं कि बाकी बॉक्स कंटेंट क्या है इसका। फ़ोन को साइड में तो प्लेस कर दिया है मैंने, बट एक काम करता हूँ, फ़ोन को मैं ऑन ही कर देता हूँ ताकि आपको इसका बूट टाइम भी दिख जाएगा। पैकेजिंग जो है टेक्नो की थोड़ी सी हमेशा ही मुझे अजीब सी लगती है। एक ज़रा सा बॉक्स खोलो पूरा ही बॉक्स बाहर आ जाता है, तो ऐसा ही कुछ इस बार भी है। इसमें आपको एक्सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 12+1 मंथ वारंटी मिल जाती है और यूज़र मैनुअल मिल जाता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इसके अंदर। एक सिलिकॉन कवर है जो कि काफ़ी आकर्षित है। आप देख सकते हैं कि लाइंस दिए हैं इसके ऊपर और बीच में प्लेन है, और यहाँ पे आपको कैमरा होल मिल जाता है और फिंगरप्रिंट सेंसर का होल है। कवर काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ आपको इसमें एक माइक्रो USB केबल मिल जाती है और यहाँ पे एक पावर अडैप्टर दिया गया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कितने वॉट का है। इस पर लिखा है 5W 2 Ah, तो कहने का मतलब है कि इस फ़ोन में 10 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी गई है। तो ये है इसका बॉक्स कंटेंट। जब आप टेक्नो स्पार्क 5 को ख़रीदेंगे तो आपको ये सब कुछ कंपनी इसके अंदर मुहैया करवा के देगी। ये सारी एक्सेसरीज़ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट इंप्रेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले कंपनी ने इसमें आपको मुहैया करवा के दिया है। 6.6 इंच का HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पंच होल मिल जाता है। हालांकि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो HD+ है, लेकिन लुक वाइज आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप निराश नहीं होंगे। देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ है, आप देख सकते हैं कि टच रिस्पॉन्स में कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। इसमें ईजी एनिमेशन है और डिस्प्ले की वजह से बस HD+ है तो आप अपने जो हैवी कंटेंट है उसमें थोड़ी आपको परेशानी होगी, लेकिन लुक वाइज आप देख सकते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो उस केस में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। डिस्प्ले ज़रूर अच्छा है। बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो फ़ोन में आपको यूनिबॉडी डिज़ाइन मिल जाता है। साथ साथ देख सकते हैं कि बैक पैनल पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पैनल पर ही है। पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंपनी ने लुक इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स शेप में कैमरा है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल किया है। ऊपर थोड़ा सा ब्लैक शेड है, नीचे थोड़ा ग्रीन शेड है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल है, 3.5 ऑडियो जैक है, एक माइक मिल जाता है। वहीं राइट साइड में पावर बटन है और वॉल्यूम रॉकर की है। इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिम ट्रे है और ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया गया। अब ओवरऑल लुक्स अच्छी है, लेकिन वही बात है कि पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है और HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस भी काफ़ी कम है, प्राइस में आपको आके बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर इंटरनल्स की बात करें तो इसमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट, जिसमें कंपनी ने 2GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज दिए। यार सिर्फ 2GB की रैम, कम से कम 3GB तो होनी चाहिए थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज है और मेमोरी को आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ एक बार इसका सिम ट्रे जो है वो खोल के, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो आपको अपने सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। दोनों सिम के साथ आप मेमोरी एक्सपैंड भी कर सकते हैं और ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। 2GB रैम की वजह से हम काफ़ी निराश हैं इस फ़ोन से, क्योंकि कंपनी ने 2GB रैम दिया, एटलीस्ट 3GB रैम होनी चाहिए थी, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हुए आपको बताऊँ कि कैमराज पर नजर डालें तो कंपनी ने इसमें 4 रियर कैमरा तो दिए हैं, लेकिन चौथा कैमरा किस लिए है वो समझ नहीं आया मुझे। इसमें आपको 13+2+2 MP प्लस जो चौथा सेंसर है AI सेंसर है, 13 MP सेंसर जो है वो रेगुलर फोटोज़ क्लिक करता है। आइए डेमो देखते हैं। शटर स्पीड थोड़ी सी स्लो है, पर ये देखना पड़ेगा कि प्राइस रेंज भी कम है। एक सेंसर इसमें जो मिलता है वो रेगुलर फ़ोटो खींचता है 13 MP का, एक इसमें जो है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए है और जो 2 MP का दूसरा सेंसर है वो मैक्रो लेंस है। आप बहुत ही पास जाके
फोटोग्राफी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। AI सेंसर क्यों दिया है वो मुझे पता नहीं उसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उसके बिना भी कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड AI टेक्नोलॉजी भी मुहैया करवा के दे सकती थी। अगर हम वीडियो सेक्शन में जाके इसके वीडियो सेटिंग को देखें तो आप बैक कैमरा से 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही फ्रंट में कंपनी ने 8 कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी कैसी है वो तो हम रिव्यू में बता पाएंगे, अभी तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है। थोड़ा सा यहाँ पर यार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ रैम से कि कंपनी ने 2GB की रैम यहाँ पे आपको मुहैया करवाई है। और AI कैमरा क्यों दिया है मेरे को समझ नहीं आया, कंपनी वाइड एंगल लेंस दे देती तो अच्छा होता, पर ठीक है इस प्राइस रेंज में कंपनी आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर कर रही है। अब देखते हैं कि यूज़र्स को पसंद आता है नहीं। आपको बता दूँ कि इसमें आपको कंपनी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दी है, वो है 5000 mAh की बैटरी, जो आप बॉक्स पे देख ही रहे हैं बहुत देर से। मैंने जान के आपको बताया नहीं कि आप खुद मुझसे ही नोटिस करके बोलेंगे भाई बैटरी के बारे में तो बता दो, तो भाई 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन चार्जिंग स्पीड 10 वॉट की है, तो चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यूज़ करेंगे तो दिन भर चलता रहेगा आराम से, अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले भी HD+ है। पर एनीवे कैसा लगा आपको ये फ़ोन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और प्राइस बता दूं, प्राइस है 7999 रुपये, ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम भी हो सकता है इसका प्राइस ऑफलाइन मार्केट में। एनीवे कैसा लगा आपका फोन और आप किसी और फोन से इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।